हर तरफ पानी ही पानी, जहां देखो वहां पानी। ये तस्वीरें हैं यूपी के गोंडा की, जहां पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों के लिए रोजी रोटी संकट खड़ा हो गया। सैकड़ों लोगों को आशियानों को छोड़ना पड़ा। इंसान तो इंसान, जानवर भी बेचारे जिंदगी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो चले। लेकिन ना तो यहां सरकार आई और ना ही जिम्मेदार अधिकारी। नेता आए भी तो क्यों आए, चुनाव थोड़ी है साहब। अब आप इस गरीब के आशियाने को देखिए, जिसमें पानी भरा हुआ है। कुदरत के कहर ने सब कुछ तबाह कर दिया। घाघरा नदी के जद में सैकड़ों घर आ गए। लोग जिला प्रशासन की मदद के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमारी जिला प्रशासन मदद करेगा, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। नाम है राम सुघार। कहाँ रहा था? यहाँ पानी भरा घर। क्या गांव का नाम बताओ? बहादुरपुर। क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? अरे साहब, बहुत बहुत दिक्कत थी पानी से। शायद कहाँ गए थे? यही पानी में रही था। और कहाँ जाए? गए कहाँ? भूसा ने गंदा। क्यों नहीं है साहब? क्या दिक्कत होती है आपको? पानी कितना हो गया? अब पानी घाट से ऊपर हो जाता है। जिस तरीके से आप लोगों का घर डूब गया है, आपके घर में रखे जो सामान है वो सब कहाँ है? और जो खेती के लिए जो खेत हैं, फसल खेती के लिए जो आपके पास खेत है वो सब कहाँ है? वो साहब कट गया सब। अच्छा। खेत कटा है, घर कट गया, खेत कट गया, सब छपरा पे सब चला गए। प्रशासन की तरफ से कोई आया आप लोग? अरे आए रहा दुविधा में, कुछ नहीं भवा। सुना आपने, बुजुर्ग कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, सब कुछ डूब गया। घाघरा नदी खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा और सरयू का लगातार बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए आफत बन गया। कई गांव बाढ़ के कहर से बर्बाद हो गए। बाढ़ से प्रभावित लोग अपने घर गृहस्थी के सामान के साथ ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर हो चले। महिलाएं पानी के बीच खाना पकाने को मजबूर हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखकर भी जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। गोंडा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए सतीश की रिपोर्ट।